हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास सिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसको जो है वो पढ़ेंगे. ओके, तो सभी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे. व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? तो इस पैराग्राफ में आपको बोला गया है बेटा, इस पूरे चैप्टर में जो है हम फूड और फूड की सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर सोर्सेज? जहां से फूड हमें ऑब्टेन्ड होता है. तो ये बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहे हैं बेटा कि आपने आज क्या खाया था, कल क्या खाया था, आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया है, क्या आपने आज और कल सेम खाना खाया था या आपके फ्रेंड्स ने और आपने खाना खाया था. तो दैट मीन्स सभी अलग अलग तरह का खाना जो खाते हैं, दैट्स वाई फूड के अंदर क्या होती है, वेराइटीज होती हैं. सब अलग अलग वेराइटी का जो है वो फूड लेते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी फर्स्ट. आस्क योर फ्रेंड्स इन स्कूल्स अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड से जो स्कूल में आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं उनसे ये पूछना है कि वो पूरा दिन जो है उन्होंने क्या खाया है या क्या खाने वाले हैं. सी इफ यू कैन गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. अगर बहुत अच्छी बात है अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं ये अलग अलग स्टेट से हैं, तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग आइटम्स के नाम जो है वो सुनने को मिलेंगे. किसी ने राइस खाई है, किसी ने चपाती खाई है, किसी ने समथिंग मीठा खाया है एंड ऑल दैट. तो सबके लिए क्या हो जाएगा, किसी ने मीट खाया है, वेजिटेबल्स खाई है, तो सबका जो है आपको वैरायटीज अलग अलग मिलेंगी. ओके, नाउ देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं इन द फूड जो हम खाते हैं. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? ये जो फूड आइटम्स हैं ये किस चीज के बने हुए होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. जो राइस हम घर पे बनाते हैं, एक बार हम उसकी बात करते हैं. हम क्या करते हैं, वी टेक रॉ राइस, हम कच्चे चावल लेते हैं, फिर उसको वाटर में बॉयल करते हैं और टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस. सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हैं. इंग्रेडिएंट्स क्या होता है बेटा, वो सारी चीजें जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसकी हेल्प से हम कोई भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम सब्जी बना रहे हैं तो उसमें हम नमक डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, दो साल और इंग्रेडिएंट्स, वो सारे क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं. जस्ट लाइक कि हमने जब ये बाउल ऑफ राइस प्रिपेयर किया है बेटा, तो इसके अंदर हमने ओनली टू इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज करे हैं. वन इज वाटर एंड अनदर इज रॉ राइस. रो होता है बेटा कच्ची. ओके, ऑन द अदर हैंड some food items are made with many ingredients. वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे फूड भी हैं जिनके अंदर जो है वो ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वेजिटेबल करी बनानी है, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स. हमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स चाहिएंगी, सॉल्ट चाहिएगा, स्पाइसेस चाहिएंगी, ऑयल चाहिएगा एंड सो ऑन. तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है वो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी सेकेंड. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर. आपको बेटा पहले एक टेबल दी गई है 1.1, यहां आपको क्या बोला गया है कि स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है और क्या उसने खाना खाया, और जो आप यहाँ खाना उसने क्या क्या खाया है उसकी लिस्ट में आपको क्या करके देखना है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड. ओके, जैसे यहाँ पर टू फूड आइटम्स का आपको एग्जांपल देकर समझाया है. सपोज हम चपाती की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आटा और वाटर यूज हो रहा है. सपोज हम दाल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सब कुछ डाला है. ओके, तो ऐसे ही जो खाना आपके फ्रेंड्स खा रहे हैं आपको क्या करना है, सिर्फ ये पता करना है कि वो किस किस इंग्रेडिएंट्स से जो है वो बना हुआ है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड.
what do we find? Do we find same ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? तो हमने क्या देखा, क्या सब में जो है वो कुछ ग्रेडियंट्स कॉमन है या सारे ग्रेडियंट्स कॉमन है? सारे तो नहीं कॉमन है, लेकिन कुछ में जो है वो सम इंग्रेडिएंट्स आर कॉमन ना, जैसे दाल में है, दाल में वाटर यूज हो रहा है, या फिर जो आटा हमने चपाती बनाई है उसमें वाटर यूज हो रहा है, या फिर वेजिटेबल करी है और दाल है, दोनों में स्पाइसेस और ऑयल भी यूज हो रहा है. तो दैट मीन्स कुछ कुछ इन्ग्रीडियंट्स कैसे हैं, कॉमन है डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए. अब हम ये देखेंगे कि वेयर डू दीज इन्ग्रीडियंट्स कम फ्रॉम. अब हम ये पढ़ेंगे कि ये इन्ग्रीडियंट्स जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेस. सोर्सेस क्या होता है? सोर्सेस होता है जहां से वो फूड मटेरियल हमारे पास आ रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इनग्रीडियंट्स दैट वी लिस्टेड इन द टेबल. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस. कुछ एक का तो हमें सोर्स बहुत ईजीली पता है, जैसे इंस्टेंस होते हैं एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हमें पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. सो प्लांट्स आर द सोर्सेज फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स, प्लांट से मिलता है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? अब राइस और वीट की क्या सोर्सेज हैं? यू मे हैव पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स. आप सबने देखा होगा बेटा कि जो खेत होते हैं, खेतों के अंदर गेहूं भी उगाया जाता है, राइस भी उगाया जाता है. पैडी इज धान, जो राइस की फसल खेतों में खड़ी हुई होती है बेटा, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पैडी. विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन, जहां से हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं. एंड देन देर आर फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क and such others which come from animals. These chicken, fish, prawn, beef, pork, these all are type of meats. ये meats हैं बेटा जो कि हम animals से जो कि हमें मिलता है. ओके, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 3. अब हम एक्टिविटी 3 को डिस्कस करेंगे. लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks. Okay, पहले हम table 1.3 देखते हैं. Table 1.3 में आपको क्या दिया गया है बेटा? कुछ एक sources दी गई हैं, कुछ एक vegetables और you know food ingredients दिए गए हैं, और हमें find out करना है कि वो कहाँ से जो है वो हमें obtained होते हैं. जैसे इडली है, इडली के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. तो अब हमें देखना है ये कहाँ कहाँ से हमें जो है वो कहाँ से मिलते हैं. जैसे राइस है, राइस तो प्लांट से मिलता है, उड़द दाल ये भी हमें प्लांट से मिलता है, सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है, और वाटर रेन एज अ सोर्स होती है या ग्राउंड वाटर एज अ सोर्स होता है. उसके बाद अगर चिकन करी बनानी है तो उसके लिए चिकन यूज होता है, स्पाइसेस, ऑयल, घी और वाटर, ये सब कुछ यूज होता है. तो चिकन कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से. स्पाइसेस प्लांट से मिल रही है. देखो स्पाइसेस के अंदर क्या क्या आ जाएगा बेटा? हल्दी आ जाएगी, वो भी प्लांट से मिलता है. चिलीज आ जाएंगी, वो भी प्लांट से मिलता है. ऑयल और घी, ऑयल और घी बेटा दोनों प्लांट से भी और एनिमल से भी. देखो ऑयल के अंदर जैसे सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल हो गया, वो तो हमें प्लांट से मिलते हैं, लेकिन घी जो होता है, घी हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है. ओके, क्योंकि दूध में से निकलता है ना, मक्खन बनाते हैं और घी बनाते हैं. मुंह में पानी आ गया. चलो नेक्स्ट इज खीर. अगर खीर बनाते हैं, खीर इज वन ऑफ माई फेवरेट डिश. ओके, तो खीर किस किस चीज से बनती है? मिल्क से बनती है, राइस और शुगर से, तीन इंग्रेडिएंट से. तो मिल्क तो क्या है? एनिमल से मिलता है. और राइस किससे मिलता है? प्लांट से. और शुगर किससे मिलता है? कम ऑन टेल मी, शुगर केन से बनता है ना, एंड इट इज ऑल्सो अ प्लांट. तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा कि सोर्सेज का मतलब क्या होता है, कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोर्सेज. उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज. ओके, आज के लिए इतना ही काफी है बेटा. थैंक यू.